बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी के द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, उसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। कई सारे डेट छुपे हुए हैं, कई सारी जानकारियां छुपी हुई है जिसका मैं विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। एग्जामिनेशन डेट तो आप जान चुके हैं कि एग्जामिनेशन मैट्रिक का होने वाला है 14 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक, और इंटर का होने वाला है 1 फरवरी से 11 फरवरी तक। लेकिन इस एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड कब आएगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा, फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा, ये एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कहां से करेंगे, ये एडमिट कार्ड हमें मिलेगा कहां से, खुद से डाउनलोड कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 के लिए, उसके लिए कौन कौन सी तिथि इसमें छुपी हुई है। तो उसमें कहा गया है कि जो इंटर एग्जामिनेशन होने वाला है 1 फरवरी से, उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वह 19 दिसंबर को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, जो कि 9 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा। इसको आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसको आपके शिक्षण संस्थान यानी आपके स्कूल कॉलेज के प्रधान डाउनलोड करेंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड की बात की जा रही है कि 19 दिसंबर को आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात अगर करें हम, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा इंटर का, वह 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात की जाए तो ये आपके अपने ही कॉलेज में होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड 19 दिसंबर को आ जाएगा, मैंने पहले बता दिया। और रही बात की ये 10 जनवरी से लेकर जो 20 जनवरी कहा जा रहा है, तो 10 और 20 जनवरी के बीच में आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि किस तिथि को किस प्रैक्टिकल विषय की परीक्षा लेनी है। तो आपको अपने कॉलेज से उस वक्त संपर्क करना होगा और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका जो है किस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को होगा। लेकिन होगा कब, तो 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक। ये तो हो गई बात प्रैक्टिकल की। इसके बाद हम अगर देखें फाइनल एडमिट कार्ड की, जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक परीक्षा, जो कि 1 फरवरी से होने वाली है, तो इसका एडमिट कार्ड जारी होगा 16 जनवरी को, जो कि अवेलेबल रहेगा 31 जनवरी तक। इंटर की बात की जा रही है, और ये भी शिक्षण संस्थान ही डाउनलोड करके आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर बिहार बोर्ड ने उस वक्त छात्रों को भी डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल करा दिया, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप भी अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके उस पर साइन तो कराना ही पड़ेगा, बिना साइन के वो एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। इसी प्रकार हम मैट्रिक की बात करें अगर, तो मैट्रिक के लिए भी सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जो कि आपको नीचे मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप माध्यमिक परीक्षा के आयोजन से संबंधित गतिविधियाँ। तो इसमें देखा जाए तो मूल प्रवेश पत्र यानी ओरिजिनल फाइनल एडमिट कार्ड 8 जनवरी को आ जाएगा, जो 15 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा डाउनलोड करने के लिए। अब ध्यान ये देना है कि प्रैक्टिकल तो मैट्रिक 2023 का भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इसमें अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड जो एक बार आया उसी से फाइनल एग्जाम भी होगा 14 फरवरी से, और उसी से प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। और ये प्रैक्टिकल कब होगा, तो मैट्रिक के छात्रों का प्रैक्टिकल होगा 19 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच, यानी 19, 20, 21, 3 दिन। और इन 3 दिनों में आपको अपने स्कूल से मिल करके प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। ध्यान दीजिए कि इस मैट्रिक के प्रैक्टिकल से पहले आपको फाइनल एडमिट कार्ड मिल चुका होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इंटर को 2 एडमिट कार्ड मिलेगा, एक प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड और एक फाइनल एडमिट कार्ड, और मैट्रिक को सिर्फ 1 एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी फाइनल एडमिट कार्ड मूल प्रवेश पत्र। तो ये सारी जानकारी स्काईलाइट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाली जा चुकी है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और यही नहीं, ये परीक्षा कैलेंडर पूरा का पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।